अगर आप बैंगलोर अकासा एयरलाइन के थ्रू ट्रेवल कर रहे हैं तो मोस्ट जो कि एकदम खूबसूरत बनाई हुई है। एयरपोर्ट में आप जैसे ही अंदर घुसते हैं आपको सोफा दिखाई देते हैं जहाँ पे आपको लोग बैठे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हम लोग निकल चुके हैं लखनऊ एयरपोर्ट की तरफ। स्पेसिफिकली बात करूँ तो हमारी फ़्लाइट इस बार लखनऊ टर्मिनल T3 से है। वैसे T3 देखने का मन तो कब से था, अच्छा हुआ इस बार हमारी फ़्लाइट T3 से बुक हुई। आज तो कुछ ज़्यादा ही ट्रैफिक लग रहा है। अरे यार, लगता है किसी ई रिक्शा वाले ने किसी गाड़ी को ठोक दिया है। आगे लड़ाई वड़ाई कुछ हो रही है। देखते हैं, निकलते हैं इधर से। ये है लखनऊ एयरपोर्ट की रोड, काफ़ी अच्छी बनी हुई है। वैसे T3, T2 और T1 ये तीनों टर्मिनल का रास्ता एक ही रोड से जाता है, बट T3 के लिए आपको फ्लाईओवर के ऊपर से जाना पड़ेगा। अगर आप बैंगलोर अकासा एयरलाइन के थ्रू ट्रेवल कर रहे हैं तो मोस्टली आपकी फ़्लाइट T3 टर्मिनल से ही होने वाली है। तो अब हम आ चुके हैं T3 टर्मिनल। इसको देख के लग रहा है ये तो काफ़ी ज़्यादा ही खाली है। सही जगह पे तो आए हैं ना। चलो देखते हैं। ये तो कुछ ज़्यादा ही खाली है। इतना खाली एयरपोर्ट तो मैंने आज तक अपनी लाइफ में कहीं नहीं देखा। बाहर से तो T3 काफ़ी ज़्यादा ही अच्छा है। देखते हैं अंदर क्या क्या है। तो जैसे ही आप गेट से एंटर होंगे आपको सामने ही दिखाई देगा चेक इन काउंटर। देखते हैं अकासा का चेक इन काउंटर किधर है। तो चेकिंग के बाद अब हम जा रहे हैं सिक्योरिटी चेक की तरफ। सिक्योरिटी चेक करते ही जैसे ही आप गेट की तरफ बढ़ेंगे तो आपको सबसे पहले दिखाई देगा ये टनल, जो कि एकदम खूबसूरत बनाई हुई है। ये चीज़ इन्होंने अच्छी बनाई है। जैसे कि बैंगलोर एयरपोर्ट में आप जैसे ही अंदर घुसते हैं आपको सोफ़ा दिखाई देते हैं जहाँ पे आपको लोग बैठे हुए, लेटे हुए, सोते हुए, चिल मारते हुए दिखाई देंगे, वैसे ही सेम काम आप यहाँ भी कर सकते हो। ये काफ़ी अच्छा बनाया हुआ है। अगर इस एयरपोर्ट को लखनऊ के पुराने एयरपोर्ट से कंपेयर करूँ तो वहाँ पर इतनी ज़्यादा शॉप्स नहीं थी। वहाँ पर कुछ ही शॉप्स दिखती थी खाने की और थोड़ी बहुत शॉपिंग की, पर यहाँ पर तो एकदम काफ़ी अच्छे तरीके से बनाया हुआ है। जैसे कि इंडिया के आप दूसरे इंटरनेशनल एयरपोर्ट में देखते हैं वैसे ही यहाँ पर सब कुछ है। अब हम आ चुके हैं गेट की तरफ। अगर आपने वीडियो को ध्यान से देखा होगा तो आपको देखा होगा कि इस एयरपोर्ट में भी ग्रीनरी पे काफ़ी ध्यान दिया गया है। काफ़ी अच्छी चीज़ है। आजकल इंडिया के सारे एयरपोर्ट में इस कॉन्सेप्ट को काफ़ी ज़्यादा प्रेज़ किया जा रहा है और देखने में भी काफ़ी अच्छा लगता है।
गेट के पास भी आपको खाने पीने की काफ़ी शॉप्स दिखाई देंगी। हालांकि अभी काफ़ी सारी शॉप्स बंद हैं, मे बी रिनोवेट का काम चल रहा है अभी तक। आज के वीडियो में इतना ही। अब हम आपसे सीधा मिलेंगे बेंगलोर में कुछ नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल एंड लाइक शेयर आवर वीडियोज़।